अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल खुशनुमा है जहां आज मैं बनाने जा रही हूं पुदीने और धनिए का रायता। ये बहुत ही आसान तरीके बनता है। इसे हम लोग ज़्यादातर बिरयानी या पुलाव के साथ सर्व करते हैं और खाना पसंद करते हैं। और बहुत ही आसान तरीका और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक है जो घर में मौजूद होते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दही है और ये पाउडर मसाले हैं, शक्कर है, भुना ज़ीरा है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है और चाट मसाले हैं। पुदीने और धनिया को मैंने धुल के इस तरह रख लिया है और एक मिर्च है और दो लहसुन की कलियां हैं। दही थिक वाली है और ये मीठी दही है। सबसे पहले जार में हम धनिया, पुदीने और मिर्च को डाल देंगे, लहसुन की कलियां भी डाल देंगे और फिर दो या तीन चम्मच दही भी डाल देंगे। ग्राइंड करने में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। पानी हम लोग नहीं डालेंगे और फिर पाउडर मसाले, सभी पाउडर मसाले एक साथ डाल देंगे, अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा और एक दो मिनट के लिए इस तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा और बाकी की भी दही इसी में डाल के एक मिनट के लिए चला लेंगे और सभी को अच्छी तरह से दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करके मिक्स कर लेंगे। मैंने पानी नहीं ऐड किया है और फिर पुदीने की पत्तियों से गार्निश कर देंगे। रायता बनके तैयार है। बहुत ही आसान तरीका का, फटाफट बनने वाला ये रायता है। टेस्ट बहुत अच्छा है और बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा और शक्ल बहुत अच्छी है इसकी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए।